अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जन्नत ब्यूटी टिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस पर, कि हम कैसे अपनी बेस जो है वो अच्छी बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि समर सीज़न यानी कि गर्मियों में हमें बेस कैसे बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्लाइंट जब आपके पास आए तो सबसे पहले आप इसकी स्किन प्रिपरेशन करेंगे, इसको पहले आप मेकअप के लिए रेडी करेंगे। ऐसा नहीं करना कि बेस उठाई और लगा दी, इस तरह आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करेगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप क्लाइंट का फेस वॉश करवा लें और इसके बाद अच्छे से स्किन को ड्राई कर लेना है। और गर्मियों में वैसे भी हमारे फेस पर मॉइस्चर होता है, तो इसलिए आप सबसे फर्स्ट पर ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करेंगे और इनके फेस पर लगाएं। और फेस पर प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर 3 से 4 मिनट तक स्टे करें, ताकि प्राइमर स्किन में जज़ब हो जाए और उसकी लेयर जो है वो ऊपर नज़र ना आए। और 1 to 2 ड्रॉप्स लेकर लगाएं और कोशिश करें कि आप जो प्राइमर ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि जो पानी की तरह हो, जिसका कोई कलर ना हो, ताकि वो आप स्किन पर लगाएं तो आपकी बेस के साथ कोई अलग लुक ना दे। इसलिए आप कलरफुल प्राइमर ना लें, ट्रांसपेरेंट प्राइमर लें और इसे जस्ट वन ड्रॉप लेकर पूरे फेस पर अप्लाई करें, ताकि आपकी बेस जो है वो अच्छी बने और स्टे करे। और व्यूअर्स, अगर आप ज़्यादा प्राइमर लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बेस उखड़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए जस्ट वन ड्रॉप लेकर ही अपने पूरे फेस पर लगाएं। तो फ्रेंड्स, बेस बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है फेस वॉश और सेकंड स्टेप प्राइमर। बट बहुत ही कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है गर्मियों में भी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो तब आप सबसे पहले मॉइस्चर लगाएंगे और जब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए इसके बाद प्राइमर यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप क्लींजर भी कर सकते हैं उसके साथ। और बेस लगाने के बाद आप कैमोफ्लाज करेंगी। कैमोफ्लाज यानी कि आपकी जो अनइवन स्किन होती है, यानी कि कहीं से स्किन का कलर डार्क होता है और कहीं से लाइट होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने डार्क सर्कल्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं आपकी रियल स्किन टोन से, और बहुत ही डार्क कलर के होते हैं, इसलिए इनको कैमोफ्लाज करने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा स्किन पर निशान वगैरह और दाग धब्बे होते हैं और इनको भी कैमोफ्लाज ही करना होता है। तो इन सबको कवर करने के लिए डिफरेंट स्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, जो डार्क सर्कल्स और डार्क ब्राउन कलर की स्किन होती है, इसको हम ऑरेंज कलर की जो स्टिक होती है, जिसको ऑर्गेन्जा भी बोलते हैं, इससे हम ऐसी स्किन को कैमोफ्लाज करेंगे। और समटाइम ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है जिसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रेड होती है, तो इसके लिए आप ग्रीन कलर की स्टिक या कंसीलर जो है यूज़ करेंगी। और इसी तरह बहुत ज़्यादा येलो टोन भी स्किन जो है वो आ जाती है। अक्सर ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनकी स्किन येलो कलर की होती है, तो इसके लिए आप पर्पल कलर की स्टिक यूज़ करेंगी। कैमोफ्लाज करने के लिए स्टिक लगाने के बाद आप पहले अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे लगाएंगे और फिर फिंगर्स की हेल्प से ही इसकी टैपिंग करेंगे। जितनी अच्छी फिंगर्स टैपिंग होती है वैसे स्पंज से भी नहीं होती, इसलिए पहले हम फिंगर्स से टैपिंग करके बाद में स्पंज यूज़ करेंगे, उसे और ज़्यादा स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए। इसके बाद जो भी बेस आप यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टिक की फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर वो स्टिक की फॉर्म में है तो पहले आपने इसे लगाना है फेस पर इवनली, और अच्छे से लगाकर आपने सिंपल स्पंज के साथ इसे अच्छे से टैप करना है। और फिर इसके बाद स्पंज को थोड़ा सा शावर कर लेना है हल्की सी नमी लाने के लिए, तो वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा। इसके साथ बेस को ब्लेंड करने की कोशिश करें, बहुत ही ज़बरदस्त उसके साथ बेस ब्लेंड होती है। सिंपल स्पंज के साथ इतनी अच्छी नहीं होती, वो उभरी उभरी सी रहती है,
और इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद लूज पाउडर लगाना है। अगर तो आप पार्टी बेस बना रहे हैं तो इतनी इनफ है, बट अगर आप ब्राइडल बेस बना रहे हैं तो इसके बाद चाहे लूज पाउडर है, चाहे ट्विन केक है, चाहे फेस पाउडर है, इनमें जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने इसको फेस पर लगाना है। और अगर पार्टी बेस बनानी है तो इसके लिए आप थोड़ी मोटी लेयर बना सकते हैं और स्पंज यानी कि वेट स्पंज के साथ टैप करके इसे अच्छे से ब्लेंड करें। बट अगर आपने लूज पाउडर यूज़ करना है तो इसके लिए आपको बिल्कुल पतली सी लेयर बनाने के बाद जो लूज पाउडर है वो लगा लें। फिर इसके बाद अगर आपने पैनकेक लगाना है तो जो भी आपका ब्रांड है इसका पैनकेक लगाएं। फिर उसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टे करें, यानी कि लगाने के बाद आपको लगेगा कि वो गीला है तो इसे छोड़ दें और ड्राई होने के बाद इसकी ब्लेंडिंग करें। गीले स्पंज के साथ इसकी टैपिंग करें और नॉर्मल सा गीला हो स्पंज। ज़्यादा गीला होने से आपकी नीचे वाली बेस ख़राब भी हो सकती है, इसलिए लाइट से गीले स्पंज के साथ इसे टैप करके ब्लेंडिंग कर लें और इसके बाद दोबारा से लूज पाउडर या ट्विन केक ट्राई ड्राई फॉर्म में यानी कि सिंपल स्पंज के साथ लगाकर इसे अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करना है। और इसे अच्छे से टैपिंग करने के बाद आपकी बेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना मेकअप फर्दर मेकअप जो है वो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि स्टिक लगाने के बाद हम डायरेक्ट पैनकेक क्यों नहीं लगा रहे, हम मिड में लूज पाउडर या ट्विन केक को क्यों लगा रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक ग्लास वाटर में अगर आप ऑयल को मिक्स करें तो वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ऑयल जो है वो सेपरेट ही रहेगा और वाटर जो है वो भी सेपरेट ही रहेगा। इसी तरह से हमारा जो पैनकेक है वो पानी के साथ लगता है और इसमें ज़्यादा पानी की क्वांटिटी होती है और वाटरप्रूफ बेस होती है और स्टिक जो है होता है वो ज़्यादा ऑयली मिकदार में होता है, इसलिए इनके दरमियान में लूज पाउडर या ट्विन केक लगाएं। और अगर आप स्टिक पर डायरेक्ट पैनकेक लगाएंगे तो पानी की वजह से वेट स्पंज की वजह से आपकी बेस जो है वो उखड़ना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बेस लगाना जो है वो आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जन्नत ब्यूटी टिप्स को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।